आज पूरे भारत में वीरबाल दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं आज कुल्लू के सिंह सभा गुरुद्वारा में भी शहीद वीरबाल दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस घोषित किया है। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मुगलों के द्वारा जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था और उनके दो और बेटे भी दुश्मनों के हाथों अपने धर्म के लिए शहीद हुए थे। आज कुल्लू के सिंह सभा गुरुद्वारे में वीरबाल दिवस में पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और पूर्व कुल्लू विधायक महेश्वर सिंह ने भी अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। उनके साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर ठाकुर गोविंद सिंह ने भी अपने विचार रखे। गोविंद राय जी जेड़े हले तक 9 साल के बच्चे सन वो नाल बैठे सन, जिस वे आके बड़े रोए ने उसे जाके 500 पंडित सारे ने कृपा राम जी ने किया भाई साड़ी रक्षा करो। सानू ये पता लगा भाई सिर्फ हिंदुस्तान च होर कोई बंदा है नहीं पीर पैगंबर जेड़ी सारी रक्षा कर सके। ते उन्होंने आख्या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी गोविंद राय जी ने किया भाई थोड़े तो उच्च इंसान कौन हैगी, इस वे हिंदुस्तान तुम पीर है हो। महाराज देख के नवे पासे बड़े बड़े खुश होए भाई इन्होंने सानू आज्ञा दे दी है। उन्होंने फिर 5 संघ लै के 6 संघ लै के दिल्ली नू गए। दिल्ली जाके उन्होंने 5 जने सह के और 3 ते तिना शहीद किया गया। एक नारे नाल चढ़ाया गया, दूजे नू रूई नाल लपेट के लगाया, तीजे नू उबलदी देह पर बिठाया गया। और सारे इस करके ये गुरु महाराज के सामने अखा के सामने हो रहा सी भाई गुरु महाराज डोल जान गए। औरंगजेब हमको तलवार के जोर पर मुसलमान बना रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। 9 वर्ष के बच्चे ने कहा और पिता तैयार हो गए और माता गुजरी ने भी जाने से रोका नहीं और दिल्ली पहुंच गए। और वहां की घटना हमको अभी सुनाई कि भाई मजीदास, भाई सचिदास, भाई दयाल सिंह किस प्रकार अत्याचार के जिंदा रूई में लपेट करके मार दिए गए, खोल से पानी में उबाला गया, आड़े से चीरे गए, लेकिन तब भी अपना धर्म नहीं त्यागा और अंततः गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया। और देखे इन्हीं दिनों में ये 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच का समय कहते हैं कि जब औरंगजेब के आदेश पर कि हम सभी को यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं हम सभी की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करता हूं। ये सप्ताह शोक सप्ताह है और 21 तारीख से लेकर के 27 दिसंबर तक का ये शोक दिवस भी है और शौर्य दिवस भी है। और इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अखाड़ा बाजार के अध्यक्ष श्री महेंद्र चावला जी, सरदार महेंद्र सिंह जी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फूलचर के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी,
एक मिनट आओ बढ़िया 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 बन गए ऊपर वीडियो तो बढ़िया ओहो महाराज हैं किस कने आए मेरे मुंह और खोल करके निकले आपने गाड़ी नहीं रुकी मेरे को आज वीरबाल दिवस के रूप में जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है गुरुद्वारा सिंह साहिब में इस तरह से इसकी शुरुआत की गई है और क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शहीद के रूप में जो है ये आज का दिवस मनाया जा रहा है थोड़ा ऊपर ले लो माइक। दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिस तरह का उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कराया, अपने चार बच्चे वो शहीद हो गए और इन सबको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को ये निर्णय लिया कि अब देश में वीर बाल दिवस जो मनाया जाएगा केवल मात्र देश में नहीं दुनिया में जो भारत के लोग रहते हैं वो सबके सब जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे हैं उनके बलिदान दिवस पर सब मिलकर के वीर बाल दिवस मनाएंगे और उसी के अंतर्गत आज कुल्लू जिला के सभी हमारे सिख परिवार और उसके अतिरिक्त जो सहजधारी परिवार है सबने मिल करके भव्य तरीके से यहाँ श्री गुरुद्वारा प्रबंधक जो हमारा अखाड़ा बाजार का यहाँ पर इसको बहुत अच्छी प्रकार से आयोजन किया और जिसके कारण से जो हमारे गुरुओं का संदेश है और जो खालसा पंथ का संदेश है ये पूरी देश और दुनिया में जाएगा जिसमें शक्ति और भक्ति का प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी का जो ज्ञान है वो सबको प्राप्त होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।